हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आपका दोस्त रवि और मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको एक ऐप के बारे में जिसका नाम है आरोग्य सेतु ऐप। इस ऐप को कुछ दिन पहले ही सरकार ने लॉन्च किया है। इस ऐप के थ्रू आप अपने जो कोरोना वायरस की अभी जो बीमारी चल रही है उसके बारे में जान सकते हैं और आप उसमें खुद का टेस्ट भी कर सकते हैं। और इस ऐप के थ्रू आप आपके जो नज़दीक में अगर कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति आता है तो उसके बारे में भी जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस ऐप को किस तरह से डाउनलोड करना है और किस तरह से यूज करना है तो फ्रेंड्स, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, चलते मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद सर्च बार में आपको आरोग्य सेतु जो कि फर्स्ट पे ही आ गया है तो इस पर क्लिक करना है। जैसे कि आज हम देख रहे हैं आप इंस्टॉल लिखा हुआ है तो इंस्टॉल में क्लिक करना है। जैसे कि आप यहाँ लास्ट कॉर्नर देख रहे हैं, अभी तक इसको 10 मिलियन लोगों ने डाउनलोड कर चुके हैं, 10 मिलियन लोग से ज़्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इंस्टॉल में क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इसको ओपन करूँगा। जैसे कि आप देखेंगे इसमें लैंग्वेज के ऑप्शन आ गए कि आप जो सा भी आपको लैंग्वेज चुनना है। अगर आप जो भी लैंग्वेज चुनना चाहते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, जो भी है, तो मैं हिंदी में क्लिक करके नेक्स्ट कर देता हूँ। जैसे कि देखेंगे इस तरह का इंटरफेस आ रहा है, इसमें दिया हुआ है जो भी लिखा हुआ है। अब इसमें आगे में क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर इसमें आगे में क्लिक करेंगे और फिर आगे में क्लिक करेंगे। आप इसमें दिया हुआ है रजिस्टर करें तो मैं रजिस्टर में क्लिक करूँगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें दिया हुआ है ऐप परमिशन मांग रहा है, जिसमें लिखा हुआ है आपकी सेवा और गोपनीयता की शर्तें, जो भी आपका मोबाइल लोकेशन, ब्लूटूथ, डाटा शेयरिंग। तो मैं सहमत हूँ, उसमें क्लिक करेंगे आप और अलाउ करूँगा। ये ब्लूटूथ परमिशन रिक्वेस्ट मांग रहा है तो फ्रेंड्स, मैं इसको यस करूँगा। अब इसमें मैं अपना मोबाइल नंबर डालूँगा दोस्तों। और सबमिट करूँगा। अब इसमें OTP आएगी दोस्तों, तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया OTP ने, जिसके मैसेज आ गया है इसका। तो दोस्तों, आप इसमें आप देखेंगे इसमें आपका व्यक्तिगत विवरण मांगेगा, आप पुरुष हैं या स्त्री या अन्य। तो मैं पुरुष में क्लिक करूँगा और जिसमें अपना नाम डालूँगा पूरा। और यहाँ दिख रहे हैं एरो, इस एरो पे क्लिक करूँगा दोस्तों। मैं इसमें आयु लिखूंगा अपनी, और जैसे कि इसमें जो चीज़ दी गई है, व्यवसाय, डॉक्टर, नर्स, पुलिस अधिकारी, जो भी आपका उसमें आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैं डाल देता हूँ इनमें से कोई नहीं। और जैसे कि इसमें दिया गया है पिछले 30 दिनों में आप किस किन देशों का भ्रमण किया, तो इसमें एरो पे दबाऊंगा तो जिसमें दिया गया है कि दोस्तों कहाँ कहाँ आप गए। अगर आप कहीं गए हुए हैं तो आप वो सिलेक्ट कर लेना, और कहीं नहीं गए तो आप लिखा है नन तो इसमें क्लिक करना, ठीक है। और एरो में क्लिक कर देना दिया गया एरो। एरो में क्लिक करने के बाद इसमें लिखा है जरूरत के समय स्वयं सेवा में रुचि, तो इसमें लिख देना हाँ। उसके बाद आया सबमिशन की पुष्टि करें, पुष्टि प्राप्त करें, तो सबमिट करना है आपको इसमें कि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो इसमें हाँ करना है आपको। और इसमें लिखा है 20 सेकंड का सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, आप इसमें परीक्षण लें, तो ठीक है। इसमें हाँ 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 लिखना है या बाद में, जो भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, इसमें हम नीचे लिखा हुआ शेयर ऐप सेल्फ एक्सेस, तो इस तरह से आप खुद भी अपना टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें पूरी दिखाई दी समाज दूरी कैसे बनाना है, ठीक है, और कैसे सुरक्षित रहें कोरोना से, इसमें जो वीडियो है वो प्ले करके भी देख सकते हैं। और आप देखेंगे इसमें दोस्तों, जो नरेंद्र मोदी जी का इसमें PM केयर, जो प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट रिलीफ फंड है, उसका पूरी डिटेल दिया, अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, UPI बैंक। तो इसमें आप कुछ भी डोनेट अपने इच्छा अनुसार डोनेट कर सकते हैं। और यह स्वयं परीक्षण लगाए तो आप इसमें जाके
सोए का परीक्षण भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया गया है कृपया सही उत्तर दें, तो ठीक है आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ठीक है समझ गए, तो आप इसमें दिया गया है कृपया ध्यान दें कि इस कॉल से दी गई जानकारी का उपयोग वर्तमान स्वास्थ्य संकट की निगरानी में और प्रबंधन एवं COVID-19 के विरुद्ध अनुशासन के लिए किया जाएगा। तो जैसे कि आपको दिया गया खांसी बुखार सांस लेने में दिक्कत, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें आप क्लिक करें, मुझे कोई नहीं हाल फिलहाल। उसके बाद दिया गया कि आपको कभी नीचे लिखे हुए रोग में से कुछ भी कभी हुआ, तो जैसे कि मेरे को अभी तक कुछ नहीं हुआ तो मैं इसमें क्लिक करूँगा। और क्या आपने पिछले 14 दिन में कोई विदेश यात्रा की थी, तो मैंने नहीं की है तो नहीं क्लिक करूँगा। और जैसे कि इसमें दिया गया नीचे दिए गए विकलों में से कौन सा आपके लिए लागू होता है, तो इसमें दिया गया हाल ही में किसी COVID-19 पॉजिटिव व्यक्ति से मिलना हुआ या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहा। और दूसरा दिया मैं एक स्वास्थ्य कर्मचारी हूँ और मैंने सुरक्षात्मक गेयर के बिना COVID-19 मामले की जांच की, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो मैंने इनमें से कोई भी नहीं को सिलेक्ट करूँगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें एक लिंक आ गई है, इसमें दिया आपका संक्रमण का जोखिम कम है और हम अनुशंसा करते हैं कि आपके नोवेल कोरोना वायरस के संपर्क के किसी भी अवसर से बचने के लिए घर पर रहें। यदि आप लक्षणों का विकास करते हैं कि या किसी COVID-19 पुष्ट रोगी के संपर्क में आते हैं तो स्वतः निर्धारण टेस्ट के द्वारा लें। तो मैं इसमें ओके क्लिक करूँगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, अब यहाँ लिख के आ गया यू आर से, तो आप लिख के आ गया, मैंने अपना खुद का टेस्ट कर लिया कि मेरा इसमें दिखा दिया गया है कि मैं अभी बिल्कुल सेफ हूँ। ठीक है, और दोस्तों यहाँ दिया है कोविड अपडेट, इसमें आप देखेंगे कि अपने हमारे भारत देश में अभी तक कितने केस हो चुके हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है, लिखा है COVID-19 केसेस और व्यू अपडेट 3 आवर्स, मतलब 3 घंटे पहले और 14 मिनट पहले का आई है। 17 अप्रैल देखेंगे आप, आज की तारीख है 17 अप्रैल 2020, तो कन्फर्म 13,387 केस हो चुके हैं अभी तक पूरे भारत में, और 1,749 लोग ठीक हो चुके हैं, और 437 जो है उसमें अभी तक पूरे उसमें शायद ख़त्म हो चुके हैं। और ये आपका स्टेट है, आप अपने स्टेट में भी देख सकते हैं, आप जो उनके भी स्टेट के ये दिया गया महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, राजस्थान, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं आप जो उनसे भी स्टेट के हैं। तो इस तरह से आप पूरे भारत का और अपने स्टेट का चेक कर सकते हैं कि आपके इधर कितने संक्रमित व्यक्ति हैं, पॉजिटिव हैं जो कोरोना वायरस से, और कितने ठीक हो चुके हैं। ठीक है, और जैसे कि दिया हुआ ये साइड में देख रहे हैं आप, ई पास लिखा हुआ है, तो ई पास का अभी ये सरकार ने अभी इसको लॉन्च किया नहीं है, तो इसमें लिखा हुआ कमिंग सून, तो ये भी कुछ समय बाद लॉन्च हो जाएगा, तो इससे भी आप बहुत सी चीज़ें कर पाएंगे। तो इस ऐप का यही फ़ायदा है कि आप अपनी खुद की भी टेस्ट कर सकते हैं, और जो भी आपके आसपास में संक्रमित व्यक्ति आएगा और उसको उसके बारे में भी जान सकेंगे। इससे सरकार को भी फ़ायदा होगा, सरकार को पता चल जाएगा तुरंत, इस ऐप को डाउनलोड करने का ये फ़ायदा है। और इसमें आपने इस पूरी जो भी आपकी वो डिटेल है वो आप फिलअप करें, तो इस तरह से आपको ये ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको कोरोना वायरस से बचा सकता है। तो दोस्तों अगर मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आइकन बेल बटन दबाना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।